उसको जब भी मेरे से कोई रिएक्शन में ना बोलता है, मैं किसी को एक घंटा मीटिंग देती हूँ, दो घंटा मीटिंग देती हूँ, दो घंटा प्रोडक्ट में बात करती हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो मुझे लगता है मुझे भी तो समझ, मुझे तो 6 महीने समझ में नहीं आया, ये तो 2 घंटे में नहीं समझ, फिर कैसे समझेगा। अब ये आदत लग गई है तो अब बुरा भी नहीं लगता है, अच्छा लगता है। और वहीं से मेरी जिंदगी में चेंज आया और फिर रिएक्शन को मैंने अपनाया। मेरा क्यों क्लियर हुआ? मेरे पिताजी की बीमारी से मेरा विश्वास जगा और आज मैं रिएक्शन में इस मुकाम पर पहुंची। तो सबसे पहले आप लोगों का भी क्यों क्लियर होना चाहिए कि रिएक्शन क्यों करना है। जो भी नए लोग आए हैं उनका भी कहीं ना कहीं उनकी भी हो सकता है वो किसी परिस्थिति के कारण, देखो बिना परिस्थिति के कोई रिएक्शन में नहीं आएगा, आएगा क्या? चाहे वो बीमारी हो या बेरोजगारी हो, कोई तो कारण होगा जो रिएक्शन में आना चाहेगा। तो ये दोनों समस्याओं का समाधान रिएक्शन में है। और वहीं पे जिस तरह मुझे मेरा क्यों क्लियर हुआ है, अगर आप आज आए हो तो आप विश्वास रखिए कि आपका क्यों जरूर क्लियर होगा और आपको लगेगा मुझे रिएक्शन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं थोड़ा इस पे बात करूंगी कि कैसे करना चाहिए। देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, हर व्यक्ति हर कार्य में सफल नहीं हो सकता, हो सकता है क्या? है ना, जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी में सफलता प्राप्त कर सकता है ना, जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग में सफलता पा सकता है ना, जो टीचर है वो टीचिंग में सफलता पा सकता है। मगर अगर टीचर से बोलो आप डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर से बोलो आप इंजीनियर बन जाओ, तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए ये हम हमेशा कहते हैं कि हर व्यक्ति हर काम में सफल नहीं हो सकता, मगर रिएक्शन में आकर के आप जो भी काम आप बाहर कर रहे हो, अगर आप रिएक्शन में आए हो, रिएक्शन के अगर व्यक्ति के साथ अपने रिएक्शन के लीडर के साथ आए, अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहे, जो रिएक्शन में सफल है वो आपको जरूर सफल बनाएगा। यहाँ आपकी सफलता तय है, आप जरूर सफल बनोगे। और एक बात कहना चाहूंगी कि रिएक्शन में सफलता पाने के लिए आपको किसी डॉक्टर इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना उसकी सलाह लेने की जरूरत है, आपको अपने अपलाइन के टच में रहना है, अपलाइन की बात सुनना है, जो अपलाइन बोले वो करना है, आपको अपलाइन का हाथ नहीं पकड़ना है, अपना हाथ अपलाइन को पकड़ा देना है, अपना हाथ अपलाइन को पकड़ा देना है, तभी जाकर के आपको सफलता मिल सकती है। कैसे करें? देखिए सब रिएक्शन को बढ़ाने का शुरुआत में सबसे अच्छा तरीका होम मीटिंग का है। होम मीटिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ इन्वेस्टमेंट कम होता है, लोग ज्यादा इकट्ठा हो सकते हैं, आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। सही है गलत है, है ना? महिलाएं सोचती है मैं एक लोगों से 1-to-1 कैसे जाकर के मिलूं? बिल्कुल मत मिलिए, आपके पास फोन है, एक दिन पहले अपने जानने वालों से प्लानिंग कीजिए कि मैं आपके एरिया में आज आ रही हूँ, क्या आप मीटिंग करेंगी, क्या आप लोगों को बुलाएंगी? वो 5 लोगों को बुलाए, 10 लोगों को बुलाए, जितने भी लोगों को बुलाए आप जाइए, उनसे मिलिए। जब आप होम मीटिंग करने की आदत डाल लेंगे ना, जरूर लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि होम मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है, बहुत छोटी शुरुआत होती है, मगर वहां से लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अभी जो देखो कोरोना काल आया, जो मीटिंग में लोग जुड़ते थे, है ना, फिर कम हुए, फिर और कम हुए। जो आई होता नहीं, जो आंखों का कनेक्ट करके बात होती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। आप किसी से फेस टू फेस मिलकर के मीटिंग कीजिए, बात कीजिए, वो व्यक्ति आपकी बात को मानेगा, आपकी बात को सुनेगा और तब जाकर के वो आपके साथ जुड़ेगा। ऐसे हम फोन पे लाखों लोगों को समझाते रहते हैं, ये करो वो करो, प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ऐसे ऐसे, कोई सुनता समझता नहीं है। इसलिए हम लोगों को होम मीटिंग की आदत डालनी चाहिए, है ना, अपने टाइम पे लोगों के घर जाइए। होम मीटिंग का थोड़ा सा ये है कि जहाँ हॉटस्पॉट ज्यादा हो, जहाँ बातचीत ज्यादा हो, वहाँ मत कीजिए, कम लोगों के साथ बात कीजिए, और हो सके तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मीटिंग में जाइए। नहीं हस्बैंड स्लाइड की बात करना, टाइम देखो टाइम, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग अगर आप मीटिंग में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं की जो प्रॉब्लम रहती है वो पुरुषों से खुल के बात नहीं कर पाती। एक महिला महिला को पाकर के अपने सारे घर के हाल बता सकती, अपने सारे दिल के हाल बता सकती है, उसकी परिस्थिति क्या है वो सब कुछ बता सकती है, मगर वो किसी पुरुष से बात नहीं करेगी, खुल के बात नहीं करेगी। अगर आपकी वाइफ नहीं तैयार है, आपकी बहन बेटी जो भी नहीं जाना चाहती है, मैं आपके साथ में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके डाउनलाइन में कोई है या आपके अपलाइन में कोई है, आप उसका सहारा लीजिए, है ना। वहाँ पे आप अगर आप जाकर के मीटिंग करेंगे तो जरूर वो आपके बात को सुनेगी। कल मैं मीटिंग में गई, त्रिवेदी जी हमेशा मीटिंग में जाते थे, नेरुल में मेरी टीम के थे, उसको जो है हस्बैंड आते थे, हमेशा प्रोडक्ट लेकर के जाते थे। उस महिला को बड़ी प्रॉब्लम थी, पर
और वो आज तक बताई नहीं, हस्बैंड त्रिवेदी जी से भी नहीं बात किए, वो भी नहीं बात की, और कल वो महिला मेरे पास आकर के बैठी और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने लगी। बोली दीदी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या प्रोडक्ट खाना चाहिए, तो मैंने उसको बताया। सोचिए जो प्रोडक्ट खा रहा, मतलब इतने दिनों से जुड़े हुए डीएक्शन से, मगर फिर भी उनको पता नहीं है, तो वो अपनी बात को खुल के नहीं रख सकती है कि मैं किस तरह से प्रोडक्ट खाऊं, कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्ट खाऊं उस प्रॉब्लम के लिए, वो मैं कल उसको बता के आई। कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ये फैमिली बिजनेस है, अकेले मत जाइए, अपनी वाइफ को लेकर के जरूर जाइए, आपकी बेटी है तो बेटी को लेकर के जाइए, है ना। इस तरीके से आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं। आप प्रोडक्ट के बारे में डेमो जरूर कीजिए, जहां भी जाइए अपने प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताइए। चार प्रोडक्ट आपकी लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि मैं चार प्रोडक्ट पे ही ज्यादातर बात करती हूँ। मैं ऋषि बेनोटी, ये चाय, चाय के बारे में कितने लोग बात करते हैं, सभी लोग बात करते हैं, जोरदार ताली आप लोगों की। अच्छा, होटल में चाय का पानी बना के कौन चलता है, अरे वाह, आप लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर उत्तर प्रदेश में अगर मैं ये बात पूछती ना, तो जितने भी 400-500 लोग थे सब होटल ही दिखा देते, सबके पास है ना, वहाँ पे हर कोई, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप किसी के भी घर जाइए, चाय का पानी जरूर अपने साथ रखिए, क्योंकि लोग कलर देख के पूछने लगते हैं, है ना, आप सबको पता क्या पूछते हैं। तो इसलिए हमें हमारे बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस माइंडसेट रखने का हमेशा हमेशा। देखिए अगर आप डीएक्शन में आए हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए आए, सही है गलत है ना। अगर आपको पैसा चाहिए तो भरपूर पैसा है, अगर आपको हेल्थ चाहिए तो भरपूर हेल्थ है। ये प्रोडक्ट आपके जीवन बदल सकते हैं। मैं इन्हीं चार प्रोडक्ट पे चाय पेस्ट कौन चाय पेस्ट और साबुन स्पोलिना, ये चार प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर ले सकता है, ले सकता कि नहीं ले सकता है, है ना। सबके हमें क्या, हमें शुरू से सिखाया गया घरों के ब्रांड चेंज कराना। मैंने ताजा चाय छोड़ दी जो हमेशा पीती थी, है एक दिन नहीं पी, चार दिन नहीं पी, छह महीने नहीं पी, उसके बाद ऐसी ब्लैक कॉफी की आदत लगी कि जब डीएक्शन टू डीएमआई हो रहा था, इंडिया में कॉफी नहीं मिलती थी, दुबई से मैं कॉफी मंगवाती थी, दुबई से मेरे लिए ब्लैक कॉफी आती थी। और मैं आपको बताऊं 40 साल की उम्र है मेरी और ब्लैक कॉफी मेरी सबसे फेवरेट है। अभी दीदी के वहां पे मैं हूँ, दीदी बोलती है 3-in-1 कॉफी पी लो, मैं कही नहीं, सुबह मैं कुछ नहीं खाती पीती हूँ, एक ग्लास गर्म पानी और एक बड़ा मग ब्लैक कॉफी। यही कारण है कि सीजन बचे हुए मेरे, ना मेरा फैट बढ़ा है, ना मेरा वेट बढ़ा है, ना मुझे घुटनों का दर्द है, ना मुझे सर का दर्द है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ खाना खाती हूँ, ब्लैक कॉफी पीती हूँ, सारा प्रोडक्ट घोल बना के पीती हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। या 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में महिला बोलती बस अभी हो गया, चलने को नहीं हो रहा है, मेरा हाथ दर्द है, मेरा पैर दर्द है, मेरा कमर दर्द है, कुछ भी दर्द नहीं है। रेगुलर मीटिंग करती हूँ, 6-6, 7-7 घंटे में मेरी गाड़ी में बैठ कर ट्रेवलिंग करती हूँ, कहाँ गोरखपुर है, कहाँ लखनऊ है, कहाँ बनारस है, कहाँ आजमगढ़, सब मैं अपनी गाड़ी से जाकर के करती हूँ, मुझे ट्रेन जमता नहीं है, तो जितनी भी आसपास की मीटिंग है मैं अपनी गाड़ी से जाकर के करती हूँ, जब मर्जी जहाँ रोक लिया, खा लिया, पी लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोडक्ट का सेवन बहुत जरूरी है। ये चार प्रोडक्ट लेकर के आपको हर घर में जाना है, हर महिला पुरुष से बात करना, ये सबके लिए जरूरी है। अगर रोजमर्रा में ये प्रोडक्ट लोग यूज करने लगे ना, तो बीमारी किसी को छुएगी नहीं, छुएगी भी नहीं। और हमारा जो संकल्प है ना, स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज का, ये भी हो जाएगा। जो बीमारी और बेरोजगारी से लड़ने की समस्या है, उससे भी हम पार पाएंगे। डीएक्शन बाहें फैला करके लोगों को अमीर बनाने के लिए लगा हुआ है, तो क्यों ना हम इस जो अमीर बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा करें, उनकी मदद करें और इसमें अपना योगदान पूरा करें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। ये एक फैमिली बिजनेस है, इसमें महिला पुरुष बराबर अपने कदमों को बढ़ा करके काम बढ़ा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं महिला हूँ मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। डीएक्शन में कोई पाबंदी नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कहते नहीं है कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। डीएक्शन अपने सपनों का बिजनेस है, अपना बिजनेस है, आपका बिजनेस है, जैसे मर्जी आए करो, मगर करो। एक चीज याद रखो, अपलाइन के टच में रहो, अपलाइन जो बोले वो करो। अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति, एक बात बस बोलना चाहूंगी इस विषय में, कि एक बार अपनी जीवन
साल की हो तो 29 साल पहले सोच लेना। अगर आज आपकी उम्र 20 साल है, जब से आपको डीएक्शन मिला या जब मिलने वाला है, अगर आप 20 साल के, तो 19 साल का सफर अपनी जिंदगी का जब से आपने होश संभाला है, कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति मिला है कि आप अमीर बन सकते हो? आप में बहुत अच्छी काबिलियत है, आप अमीर बन सकते हो, मैं आपको अमीर बनाऊंगा, ये कहने वाला कोई मिला है क्या? अगर कोई मिला होगा तो अपलाइन की बात मत मानना, अगर नहीं मिला होगा तो आज से अपने अपलाइन की बात जरूर जरूर मानना, क्योंकि इस दुनिया में आपकी परिस्थिति को समझने वाला वही एक व्यक्ति है जिसने ये कहा होगा कि आप डीएक्शन में सफल हो सकते हो। यहाँ लोग 1000 रुपए कमाने के लिए आपके साथ नहीं खड़े होने वाले हैं, डीएक्शन में तो लोग लाखों रुपए की बात करते हैं कि आप लाखों रुपए महीने कमाओ, और कमा रहे हैं लोग, तो क्या आप नहीं बोलोगे? हम नहीं बोलेंगे, और अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे? जरूर जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। तो इसलिए जरूर इस तरीके से आप बात करिए, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं किसी ने, समय की पाबंदी पहले से दी जा रही है, तो कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी मीटिंग करके, होम मीटिंग है ना, होम मीटिंग के द्वारा आप कर सकते हो, रेजिडेंशियल कैंप में सीख सकते हो, आरबीसी की मीटिंग से सीख सकते हो, अपने अप्लाई के साथ मीटिंग कर सकते हो, 1-to-1 मीटिंग के द्वारा सीख सकते हो। सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे रास्ते हैं। सीखना क्या है ये आपको तय करना पड़ेगा, बार बार लगातार अगर आप लगे रहेंगे डीएक्शन में तो आपकी सफलता को रोकने वाला कोई भी नहीं, आप जरूर सफल होंगे। क्या क्या मिलता है डीएक्शन में, मैं बताऊं डीएक्शन में क्या कुछ नहीं मिलता है? डीएक्शन एक ऐसा वट वृक्ष है जिसमें आपको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो मिलेगा ही मिलेगा, देश विदेश यात्राएं मिलती, आज मुझे मिली है ना। सोचिए आप एक इंटर पास व्यक्ति, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ त्रिवेदी जी का, मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मेरी एजुकेशन है और ये मेरी इनकम है, ये मेरी सफलता है। लोग 60 साल तक जॉब करते हैं तब बंगले का सपना देखते हैं, है ना, 60 साल की नौकरी करेंगे जो मुझे पैसा मिलेगा तब मैं जमीन खरीदूंगा या मैं मकान खरीदूंगा या मैं फ्लैट खरीदूंगा, उसी में बच्चों को पढ़ाना है, फिर बिटिया की शादी भी करनी है, फिर हेल्थ के लिए भी कुछ रखना है, कितनी प्लानिंग करते हैं उन 60 साल के बाद। अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि भाई चलो तुम्हें मैं गोवा घुमा के लेके आऊं, तो क्या रह जाएगी उसके अंदर वो बात कि वो गोवा घूमने जाएगा? नहीं जाएगा। मगर हमको डीएक्शन की वजह से, मैंने दिल से धन्यवाद डीएक्शन को देती हूँ जिसके कारण 30 साल की उम्र में मुझे मेरा बंगला भी मिल गया था, मुंबई में भी मैंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली थी, मेरे घर पे गाड़ी भी थी, है ना, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे थे, आज इतनी प्रॉपर्टी मैंने बना ली, और मैं अगर कह लूँ तो कम से कम 5 करोड़ रुपए मैंने डीएक्शन से कमा लिए, 5 करोड़। कमाई डीएक्शन के कारण से हुई, डीएक्शन की वजह से। तो ये आप सोच सकते हो कि कितना समय त्रिवेदी जी ने दिया डीएक्शन में, बहुत दूर देखने जाने की जरूरत नहीं, हमेशा आप अपने पास में देखोगे ना, है ना, बोलते एग्जांपल लेने के लिए दूर जाओ, क्यों दूर जाओगे भाई, सच्चाई क्या है, आप वहाँ थे नहीं, हम वहाँ थे नहीं, कैसे पता चलेगा? यहाँ सच्चाई सामने बैठी है, देखिए ना, है कि नहीं है, हम आपके सामने खड़े हैं, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारी एजुकेशन देखिए, डीएक्शन का सफर देखिए, 21 साल हमने डीएक्शन में दिए हैं, कौन सा ऐसा काम है जहां आप 20 और 21 साल दे करके 5 करोड़ रुपए कमा लोगे, बताओ, है कोई सेक्टर, है कोई जगह? बिल्कुल भी नहीं है, तो नहीं पा सकते हो। यही कारण है कि डीएक्शन में हम लोगों को लगने की जरूरत है, मगर हाँ ईमानदारी के साथ, जब आप काम ईमानदारी से करोगे तो काम भी आपके साथ ईमानदारी दिखाएगा, तब आप इनकम कमाओगे। ऐसे आप सोचोगे टाइम पास के लिए डीएक्शन करें तो नहीं, यहाँ पैसा कमाने आए हो, पैसे कमाने का जो सको आप बात करो, बस बात करो, प्रोडक्ट पे बात करो, सिस्टम पे बात करो, बाकी इधर उधर की बात मत करो। राजनीति में कुछ नहीं रखा है, राजनीति करना है तो डीएक्शन में मत आओ, डीएक्शन के बाहर जाओ, है ना, ये पंचवर्षीय योजना नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाली योजना है, तो इसमें हमें जुड़ना चाहिए, है कि नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाली योजना है, तो हम यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जुड़ने आए हैं। और मैं मेरी इस बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगी कि डीएक्शन क्यों करे, कैसे क्या क्या मिलता है, आज आप लोग देख रहे हो डीएक्शन के कारण मैं स्पीकर के रूप में जानी जा रही हूँ, सब जगह जा रही हूँ, कंपनी मुझे आने जाने का पैसा दे रही है, अभी मलेशिया भी जा रही हूँ, जहाँ एक लड़की कभी गाड़ी पे बैठने का एक सपना था मेरा, गाड़ी तो आते जाते देखती थी मैं, आते जाते देखती थी गाड़ी,
वो हैसियत ही नहीं थी कि मैं कभी, आज मैंने अपनी एक गाड़ी वैगनार बेची, दूसरी अर्टिका 14 लाख की गाड़ी मैंने ली, आज पैदल चलने का मौका मुझे कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। मैं तैयार हो रही हूँ तो मेरी गाड़ी, सर ने देखा है कि मेरी गाड़ी पोर्ट से निकल के बाहर पहले लग जाती है। जिस जगह मेरा मकान है वहाँ ISPCS कब भी आप लोग आइए, सिर्फ नजारा दिखाऊं, सबसे ऊंचा मेरा मकान है वहाँ पे, सबसे ऊंचा, सबका 3-3 मंजिला मकान है। मैंने 4 मंजिला इमारत खड़ी की, त्रिवेदी जी ने बोला 4th मंजिला क्यों बनवा रही हो, तो उतने ऊंचे चढ़ के जाओगी भी? मैंने कहा रोज तो नहीं जाऊंगी, मगर जिस दिन जाऊंगी और रेलिंग पे हाथ धर के खड़ी होंगी ना, लोगों का घर मैं देखूंगी, लोगों का घर मैं देखूंगी, और वही मैं करती हूँ। आज भी मैं रोज तो नहीं चढ़ती, पर जिस दिन मैं अपने 4 मंजिला इमारत पर जाके खड़ी होती हूँ और रेलिंग पे जब ऐसे हाथ रखे देती हूँ, अपना फैजाबाद वो गोरखपुर वाला हाईवे 6 लाइन मेरे घर के सामने से, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। लोग सोचते हैं कि इनकी हैसियत क्या थी, इनकी एजुकेशन क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, और आज इनकी हैसियत क्या है, ये DXN के कारण है, इसलिए DXN थोड़ा सा मैं स्लाइड पे बात करना चाहूंगी। मेरी बातें आपको कितना टच की मैं नहीं जानती, मगर अगर कुछ भी टच किया होगा तो जरूर आपके जीवन में बदलाव आएगा, इतना ही देख करके कि आज हम लोगों के जीवन में बदलाव आया। अपडेट हो रहा है सिस्टम, ठीक है, वीडियो लगा दीजिए, लगा रहे हैं, बात करिए तब तक, ठीक है। इस तरीके से मेरे जीवन में बदलाव आया, DXN नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता, मेरी कोई पहचान नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, हम सब DXN में आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को लेकर के आगे बढ़ना है, ये लोगों का बिजनेस है, ये बोलने का बिजनेस है ना। महिलाएं तो बहुत सारा बात करती है कि नहीं करती है ना, मगर मैं बोलती हूँ बात वो करो जहाँ पे झगड़ा ना हो, बात वो करो जहाँ पे लोगों की तरक्की जुड़ी हो, है कि नहीं है ना। आज हम लोगों का सोच है, लोग बोलते नहीं महिलाओं की सोच बहुत अच्छी होती है, सच में महिलाओं की सोच बहुत अच्छी होती है, मगर इस सोच को आज सही करने का मौका मिल गया है। हम लोग बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आज DXN वो रास्ता लेकर के आया है कि आप अपनी जिंदगी को बदलिए और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दीजिए, तो हम सबको बदल। आज उत्तर प्रदेश में तो आग लगी पड़ी हुई है, महिलाओं में वो जोश जगा हुआ है, अभी आपने वीडियो देखा होगा, एक 85 साल की महिला अभी के क्षेत्र में वो, उस महिला से मैं सीख करके आई, वो 85 साल की महिला ऐसे झुकी हुई है, वो 5 गांव उसने टारगेट लिया, वो डेली 5 गांव पैदल चल के जाती है। मगर मैं नरसिंह चौधरी जी का नाम भी लेना चाहूंगी और बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छे लीडर हैं वो, उस बुजुर्ग महिला को सुबह अपने स्टॉक पॉइंट पे बुला करके और प्रोडक्ट खिला करके प्रोडक्ट देते हैं, बोलते अब अम्मा आ जाओ आप इसको बेच करके आओ, होना चाहिए ऐसा लीडर, है ना। लीडर वो नहीं है किसी को ज्वाइन कर दिया भूल गया चला गया, नहीं, फिर आप सफलता की बात कैसे कर सकते हो। लीडर वो होता है जो ज्वाइन कराया है और अपने बच्चे की तरीके से उसको पाले पोसे, है ना, पाले पोसे। हमारा बच्चा कभी गुस्सा हो जाता है, हमसे बात नहीं करता, तो हम जाके मनाते हैं, है कि नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ दो लोगों का लालच जरूर होना चाहिए। उस दिन मीटिंग में जब कैंप में मीटिंग होते तो राजेश सबेरा जी ने पूछा बच्चे क्यों पैदा करना है, पूछा गया था कि नहीं, बच्चे क्यों पैदा करना है। मैंने बोला ना बच्चे क्यों पैदा करना है, बच्चे दो तरीके से पैदा होते हैं, एक बच्चा पैदा होता है घर चलाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए, है ना, एक बच्चा DXN में भी पैदा किया जाता है जिंदगी बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सही है कि गलत है बताइए, है ना। एक बाप वो होता है जो उसको पैर में तेल लगा के दूध पिला के दुनिया घुमा के अच्छी शिक्षा दे के पढ़ा के लिखा के अपने बुढ़ापे, उसका स्वार्थ जुड़ा होता है, यहाँ भी स्वार्थ ही जुड़ा हुआ है ना, यहाँ भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हर अप्लाइंस सोचता है ये मेरा बच्चा है, ये अच्छा बिजनेस करेगा तो मुझे देकर जाएगा, इसके घर भी खुशियाँ मेरे घर भी खुशियाँ, सही है गलत है, तो वही सोच रखना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे दो तरीके होते हैं। अभी यूपी में तो हम लोगों को बहुत सारे बोलते हैं आप हमारे ग्रैंड मदर फादर हो, मैं कह बहुत बढ़िया,
इस उम्र में फ्रेंड मेरा फटाफट, तो मुझे खुशी होती है, अच्छी बात है ना। और गहराई में बिजनेस गया, और गहराई में बिजनेस गया, अच्छी बात है, खुशी होती है ना। इसलिए आप लोग, मैं अपनी टीम को भी बोलती हूँ, जो मेरी क्राउन लाइन है, मैं उनको भी बोलती हूँ, कभी ग्रैंड पा से नाराज हो जाना ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि माँ बाप की वसीयत में उसके अपने ही औलाद का हक होता है, दूसरे का नहीं होता है। इसलिए कभी दूसरे के पास मत जाना, मेरे से नाराज हो तो सोल्यूशन मेरे पास आके लेना, मेरे से लड़ना, मेरे से जिद करना, मेरे से अपनी समस्या का हल पूछना, दूसरे के पास समस्या का हल पूछने मत जाना, कभी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे के बच्चे को कोई सुधारता है क्या? नहीं सुधारता है, क्योंकि उसका बुढ़ापा उसको सफल होते नहीं दिखता है। दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्यों बताएगा वो, है ना? तो इसलिए ये आप लोग जरूर याद रखिए, जो आपके अपलाइन है, ये बिजनेस जरूर है, पर ये बिजनेस लगाव का है, प्रेम का है, अपनेपन का है, पैसों का है ना? तो इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, डीएक्शन संस्कारों का बिजनेस है, यहाँ से संस्कार आते हैं हमारे पास में, हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं जैसे एक परिवार। मैं हमेशा बोलती हूँ डीएक्शन डीएक्शन ही नहीं लगेगा, डीएक्शन मिले नहीं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है ना। आज कोई, अभी आप लोग हो डीएक्शन में, कहीं थैला लेकर के निकल रहे होते हो, तो वो आपकी टीम का है कि नहीं मुझे नहीं पता, पूछता जरूर होगा, अरे भाई आप डीएक्शन करते हो क्या? अरे दीदी आप डीएक्शन करती है क्या? सोचिए कितनी खुशी मिलती है, है ना। तो ये डीएक्शन एक परिवार है, आप लोग मिल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, खूब तरक्की कीजिए। आप लोगों का साथ रहेगा तो ये विकास जरूर होगा, तय है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो दम है, वो करके दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? yes. है ना, करके दिखा सकते हैं। और आप लोग भी बराबर योगदान दीजिए। आज मैंने जो बताया है, मेरी कहानी आप लोगों से अलग नहीं है। आज आप जहां बैठे हो, कल मैं भी वहां बैठी थी। आज आप लोग जहां बैठे हो, कल मैं भी वहां बैठी थी। वहां से यहां तक निकल करके आने के लिए मैंने कुछ नहीं बदला, सिर्फ अपनी सोच को बदला है, अपनी हिम्मत को बढ़ाया है। और ये सोच मुझे डीएक्शन की वजह से मिला है, ये हिम्मत मुझे डीएक्शन की वजह से मिली है, क्योंकि ये प्रोडक्ट दुनिया का नंबर वन प्रोडक्ट है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, समस्याएं और बीमारियां खत्म होने वाली नहीं है, मगर इनको खत्म होने के लिए अगर डीएक्शन का प्रोडक्ट घर घर पहुंचा देंगे, तो एक दिन जब देश में कभी ये होगा ना, कभी ये नाम लिखा जाएगा, या कोई कभी इस पे विचार किया जाएगा कि ये इतनी जो है इस तरीके से बीमारी कैसे कम हुई है, उसमें यही नाम आएगा कि डीएक्शन के प्रोडक्ट खा करके लोगों की बीमारी कम हुई है, और हम सबका योगदान रहेगा। तो सिर्फ ये कह देना है कि तरक्की हम नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं, हम सबके पास वो जरिया मिल चुका है, बस खाली अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। आप लोग भी महिला है, सभी से बात कर सकती हैं, जहां जाइए अपनी बात को रखिए, जरूरी नहीं कि आपकी बात सब मान जाएंगे, मगर अगर कोई भी मान